हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद प्रजेश। और मैं हूं प्रजेश पांडे, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। और आज मैं आपको अपने साथ लेके जा रहा हूं ट्रिकिंग चर्च, जो कि कंसोलिंग विलेज में है। और इस चर्च के बारे में काफ़ी सुपरस्टिशियस स्टोरीज है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो हम पहुंच चुके हैं थ्रिकिंग्स चर्च के पास, और चर्च तक जाने के लिए हमें यहाँ पे काफ़ी लंबी सीढ़ियाँ है, तो ये चढ़ते हुए चर्च के पास जाना होगा। तो चलिए चर्च की तरफ। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं थ्रिकिंग्स चर्च, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चर्च हिल टॉप लोकेशन पे लोकेटेड है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इस जगह पे आने के बाद आप रिलैक्सिंग, काम और सोथिंग फील करते हैं, और जो कि गुड वाइब देती है लोकेशन। तो आप जब भी साउथ गोवा में हो तो इस जगह पे ज़रूर आए। और इस चर्च का एक फीस्ट होता है, जो कि 6 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और उस सेलिब्रेशन के लिए इस चैपल से एक प्रोसेशन निकाला जाता है, जो कि कंसोलिंग विलेज चर्च तक जाता है, और जिसे काफ़ी अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। और इस चर्च की कुछ स्टोरी है, जो कि मैंने यहाँ के कुछ लोकल फ्रेंड्स से सुना है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे पहले 3 किंग रहा करते थे, और तीनों किंग ने सुपीरियर होने की वजह से एक दूसरे को आपस में मार डाला, और उसी वजह से कुछ लोग इस जगह को हॉन्टेड प्लेस मानते हैं। और इस वजह से यहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद या सनसेट होने के बाद यहाँ पे एंट्री भी नहीं है इस चर्च पे यहाँ आने के लिए। तो हालांकि यहाँ पे और बहुत सारे लोगों ने ऐसा कुछ यहाँ पे महसूस भी किया है, लेकिन मैं यहाँ पे पहले बहुत बार आ चुका हूँ और मुझे आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ है। और मुझे नहीं लगता है कि चर्च जैसी जगह पे ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप जब भी साउथ गोवा में स्टे कर रहे हैं, तो इस जगह पे ज़रूर आए। ये काफ़ी अच्छी और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, और इस चर्च में बहुत सारे लोग इवनिंग टाइम पर आते हैं सनसेट व्यू देखने के लिए। यहाँ सनसेट व्यू के टाइम अच्छा क्राउड होता है, और लोग यहाँ पे 5 बजे लगभग सनसेट व्यू के लिए आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ सनसेट होने के बाद यहाँ पे शाम को एंट्री नहीं है इस चर्च पे। और इस चर्च में बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ भी शूट हुई है, स्पेशली आप मदर 2 का एक खुदा सॉन्ग देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये चर्च उसमें पिक्चराइज किया गया काफ़ी अच्छी तरह से। तो आप इस जगह पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए भी आ सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने इस जगह पे अपना प्री वेडिंग सॉन्ग्स भी शूट किया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का थ्रिकिंग चर्च ब्लॉग। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ट्रैवल विद प्रजेश। और जल्दी मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।